एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास फिफ्थ का चैप्टर मालू भालू जो है यूनिट 10। हाई अप इन एन आइसी लेयर लिव्ड अ लिटिल पोलर बियर। स्नो व्हाइट स्नो ब्राइट वाज हर नेम, मालू भालू वाज हर नेम। तो इसमें एक मालू भालू है, वो एक पोलर बियर है जिसका नाम मालू भालू है। तो इसमें बोला गया है हाई अप इन एन आइसी लेयर, मतलब काफी ज्यादा ऊंचाई पे जहाँ पे पूरी की पूरी परत जमी हुई होती है, वहाँ पर एक छोटा बियर रहता है जो बिल्कुल व्हाइट है, बर्फ की जैसे, और जिसका जो मेन होता है, जो बाल होते हैं जो कुछ जानवरों के नेक पे आते हैं, उसको मेन बोलते हैं। और उसका जो मेन है वो भी काफी ज्यादा बर्फ की तरह चमकता हुआ है और उसका नाम है मालू भालू। वेरी सून अ मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू, फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल, मालू वाज अ क्लेवर गर्ल। और फिर बहुत ही जल्दी उसने अपने पेरेंट्स से बहुत सारी चीजें सीख ली, जैसे कि फिश को कैसे पकड़ते हैं छोटी और बड़ी। मालू भालू काफी ज्यादा क्लेवर, मतलब होशियार और चलाक बच्ची थी। मालू सेड टू हर मदर वन डे, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले, आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई। तो मालू भालू एक दिन अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी मैं जा रही हूँ बहुत दूर खेलने, और मुझे चीजें देखनी जो स्काई जो होता है आसमान के नीचे, जितनी भी चीजें हैं बहुत सारी मुझे सब देखनी है, और इसलिए मैं दूर दूर खेलने जा रही हूँ। अ लिटिल पेशेंस चाइल्ड सेड मम इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स। फिर क्या होता है, उसकी मम्मी उससे कहती है कि तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, जब अगला समर आएगा तब तुम सारे के सारी चीजें देख लेना दूर दूर जाके। फिर वो बोलती है समर पेशेंस व्हाट अ टेस्ट, गर्मियों का इंतजार करो, पेशेंस रखो, पेशेंस का टेस्ट हो रहा है मेरे। मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट, और मालू जो होती है वो रेस्ट नहीं कर पाती, वो कहती है कि नहीं मुझे तो बस अभी ही देखना है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मालूज मॉम क्लैप्स मालू टाइट विद इन हर आर्म्स, देन शी सेड हर वॉइस वॉज फर्म, नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम। फिर उसकी मम्मी जो होती है वो क्या कहती है, मालू सुनो, जो पहले काम, जो पहले चीज होती है वो तुम्हें पहले ही करनी पड़ेगी। वो अपनी जो मालू होता है मम्मी उसको गले लगा लेती है और फिर बहुत ही आराम से बोलती है कि सबसे पहले बेटा तुम्हें स्विम, मतलब तैरना सीखना पड़ेगा। बट माँ सेड मालू व्हाट डू आई नो, हाउ विल आई हैव नेवर स्विम बिफोर। डोंट वरी डियर सेड मालूज मदर, डू एज आई डू दैट्स ऑल शी एडवाइज्ड हर। तो फिर मालू जो होती है वो कहती है अपनी मम्मी से कि मैं कैसे स्विम कर पाऊंगी, मेरे को तो आता ही नहीं स्विम करना, मैं तो पहले स्विम किया ही नहीं है। उसकी मम्मी मालू से बोलती है कि बेटा कोई बात नहीं, जैसा मैं करूंगी वैसे ही तुम भी करते जाना और फिर सब ठीक हो जाएगा। शी हैड नो चॉइस नो अदर वे, मालू हैड टू स्विम दैट डे, टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड। तो उसके पास तो कोई चॉइस होती ही नहीं है, उसको स्विम सिखा भी रही थी उसकी मम्मी उसे, और फिर उसने अपनी मम्मी का हाथ बहुत ही ज्यादा टाइटली पकड़ लिया और वाटर में चली गई लैंड से स्प्लैश करते हुए। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर, मालू स्वैम विद ऑल हर माइट, इट डिडंट मैटर रॉन्ग और राइट। और फिर ब्रेव मतलब बहादुर माँ की बहादुर बेटी, वो डरती नहीं है बिल्कुल भी, वो अपना सारा डर पीछे छोड़ती है और फिर वो स्विम करती है, तैरती है पूरी अपनी ताकत से, और ये फर्क नहीं पड़ता कि वो सही करे या फिर गलत करे। But swimming came so naturally, her mother knew this and all could see fearless was Malu that she knew. Not just brave but special too. उसकी मम्मी को पता था कि जो स्विमिंग है वो उसके नेचुरली ही आ जाएगी उसे, वो बहुत ही खुद से अच्छा स्विम करने लगेगी, और ऐसा ही हुआ और उसकी मम्मी ने उसे वैसा ही करते हुए देखा और वो बोलती है कि मालू फियरलेस है, डरती नहीं है, बहुत ज्यादा स्पेशल है और बहुत ज्यादा बहादुर भी है। तो आपकी ये पॉइंट यहीं पर खत्म होती है। आई होप कि आपको समझ में आई हो, अगर आपको समझ में आई और अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।